बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नाबुदु व इयाक नस्ताईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बख़ैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर दौरा है, हर तरफ वर्कर कन्वेंशन किए जा रहे हैं, ना रैलियाँ की जा रही हैं और ना जलसे किए जा रहे हैं। तो जब कन्वेंशन किए जाते हैं तो उसमें होना तो ये चाहिए कि मखसूस लोग आए, लेकिन उसमें भी लाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा तरद्दद करना पड़ता है। जैसे कि कल एक उन्होंने कन्वेंशन किया जिसमें हज़ारों लोग मौजूद थे, लेकिन जितनी उनकी उम्मीद थी वो नहीं पूरी नहीं हो सकी। तो फिर वहाँ पे जो MNA MP के कैंडिडेट थे, जो टिकट होल्डर थे, उनकी शामत आ गई और मरियम नवाज ने उन पर खूब बरसी और उनको लाहौर में तलब कर लिया। अब इसी तरह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी कन्वेंशन सूबा खैर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं और उन्हें भी वो पज़ीराई हासिल नहीं हो रही जो वो दिल से चाहते हैं, जो वो देखते रहे हैं कि पहले खैबर पख्तूनख्वा में जब भी तरीके इंसाफ के सरबरा आए तो यहाँ पर लोगों ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया। अब हमारे देखने में ये आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पर एक भीड़ का समा होता है और एक लाखों लोगों पर इज्तमाआत हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, वो बस चुन चुना कर पैसे देकर अपने बंदे लाते हैं, लेकिन वो भी उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होते। अब जैसे मरियम नवाज तकरीर कर रही थी तो पूरा पंडाल खाली हो गया, क्योंकि वो लोग विल से दिल से इनके साथ नहीं आते। तो इस तरीके से ये इलेक्शन कम्पेन चल रही है और एक तरफ तरीके इंसाफ को चक्कर दिया जा रहा है कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा, बाकी ये कई बातें चलाई जा रही हैं जिसकी बुनियाद पर तरीके इंसाफ के लोगों को परेशानी में डालने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। तो आज जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो कुछ निगरान हुकूमत कर रही है, वो चारों सूबों की और फेडरल, वो आप सबके सामने है कि उन्होंने एक का हाथ बांधा हुआ है, दूसरे का हाथ ऊपर उठाया हुआ है। तो इस तरीके से ये इलेक्शन कम्पेन जारी है। अब देखिए कि जमात इस्लामी एक वाहिद पार्टी ऐसी है कि जो हर जगह बड़े अच्छे जलसे भी कर रही है, इज्तमात भी कर रही है, मैसेज भी दे रही है, और उनका भी यही है। कल मौलाना सराजुल हक साहब ने एक जगह खिताब करते हुए कहा कि ये जरदारी और नवाज शरीफ 40 साल से मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं और अब ये पूछते हैं कि जिन्होंने ये पाकिस्तान के सारे मामलों को ख़राब किया है उनसे हम पूछेंगे। तो उन्होंने कहा मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि 40 साल में इन्होंने क्या किया है। तो भाई अब छोटी छोटी पार्टियों ने भी सर निकालना शुरू कर दिया है। अब पहले मौलाना फजल रहमान कहते थे इलेक्शन डिले होने चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत है, लेकिन अब वो भी सर्दी में निकल पड़े हैं। तो अब उनको इस वक्त आ गई है कि मुझ पर थ्रेट बहुत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट जो इस वक्त है वो मौलाना फजल रहमान को है और उनके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया गया। बाकी तमाम सियासी पार्टियों को भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि जो भी हमसे सिक्योरिटी मांगेगा हम उसे देंगे, लेकिन ये कुछ ख्याली बातें हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो ना होने वाली हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो सुबह उठते शाम सोते और दरमियान में भी एक दो दफ़ा जब तक अपने लाने वालों को बात पूछना ले वो बात नहीं करते। और इसी दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी दौरा अमेरिका आ गया है और वो कल अमेरिका चले गए हैं। तो देखिए वहाँ जाकर उनके साथ क्या मुआहदात होते हैं, किन से उनकी मीटिंग होती है
और इलेक्शन के बारे में भी क्या बात होती है। असल में ये मुलाकात के बाद ही पता चलेगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो आज हमने सारे इस मामलात पर ख्यालात का इजहार करने के लिए लंदन के जनाब मुकीम अहमद ख़ान साहब, जो कि रोज़ाना प्रोग्राम भी करते हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको अपने प्रोग्राम में मदु किया है। जनाब मुकीम अहमद ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, वेलकम। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दूसरे हमारे लंदन से ही जनाब जिन्होंने एक किताब लिखी है कि ये सारा टब्बर चोर है, अमदाद हुसैन शहजाद साहब, जो कि इस वक्त उम्रा अदा करने के लिए, उम्रा की अदायगी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस तरह तीसरे हमारे मेहमान जनाब हमायूं साहब ज़ादा साहब हैं, जो कि लंदन के करीब ही मैनचेस्टर में मौजूद हैं। मैं उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और लाहौर से हमारे साथ हैं तरीके इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा और उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली की तरीके इंसाफ की मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ जनाब मुकीम अहमद ख़ान साहब से कि वो ये बताएं कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन जो हैं और इसमें जिस तरह से ये दोनों जमातों में नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठनी हुई है, क्या ये अंदर से कुछ सौदा और है या बाहर दिखाने के दांत और हैं? बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है इस वक्त का मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हर पाकिस्तान आ रहा है कि आया इलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये जो एमबी, ये जो सूरत हाल जिसमें कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, ये इसलिए क्रिएट की जा रही है कि खौफजदगी का आलम है कि वो पार्टियां जिन्होंने 40 साल हुकूमत की, उनके पल्ले नामा अमाल में कुछ है नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि वो कुछ बता सकें कि हमने ये कोई हासिल वसूल किया है या हमने अवाम की ये खिदमत की है। अब वो उनको पीटीआई की मकबूलियत से भी खौफ है, वोटर के रिएक्शन से भी डर लगता है, हालात को भी वो नासाजगार पाते हैं, और इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ जाना उनके लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर है। सी। अब ये जैसे याद पेश कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हैं, उसको देखें तो भी हंसी आ जाती है। कोई कह रहा जी वो ठंड ज्यादा है, कोई कह रहा है जी हल्का बंदी दुरुस्त नहीं हुई, कोई कह रहा है कि खजाने में पैसा नहीं है, कोई जनाब किस रोक के बैठा हुआ है। हालांकि एक क्लियर प्रोसीजर है और ये एक आईनी तकाजा है, इसको पूरा कर दें और अपनी भी जान छुड़ा लें और हमारी भी जान छोड़ दें। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि नफसा नफसी वाला दौर आया हुआ इनके ऊपर, कि इनको बस यही है कि हम ना होंगे ना कोई हमसा होगा, कि हम हों और कोई ना हो। तो इस सूरत हाल में इस गैर जमहूरी रवैये के साथ आगे बढ़ते हुए तो ये सिस्टम नजर नहीं आता। अच्छा आप ये बताएं, इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं और ताने दे रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, कभी बलावल बोलता है तो कभी मरियम बोलती है, कभी उनके दाएं बाएं करिंदे बोलते हैं, जिससे माहौल जो है ये खराब होता है वो नजर आता है, या इनकी नूरा कुश्ती है? सर ये माहौल खराब नहीं हो रहा, माहौल बन रहा है। इलेक्शन का माहौल तभी बनता है ना जब मुखालिफ एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंचते हैं। अभी तो हाल वो यही थी कि वो दोनों ऐसे जनाब क्या कहते हैं भाई बहन भाई बने हुए थे, जिसका हिसाब नहीं कि वो एक एक की तारीफ करता था, दूसरा दूसरे की छान में कसीदे पढ़ता था। अब वो सूरत हाल जो है रियलिटी की तरफ बढ़ रही है कि अब वो सही मायनों में जिस तरह वो सास नंद की लड़ाई होती है वो देखने को आपको मिल रही है। अब वो एक दूसरे के राज भी खोलेंगे, एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ेंगे, ठीक, और रौनक भी लगी रहेगी, मीडिया का महाज भी गर्म रहेगा और अवाम की निगाहें भी हर वक्त किसी नई स्टोरी की तलाश में स्क्रीनों की तरफ मुतवज्जो रहेगी। तो ये सिलसिला अब चलेगा और जब तक इलेक्शन नहीं होते ये इसी तरह एक दूसरे के बाल नोचते रहेंगे, और इलेक्शन के बाद ये फिर एक दूसरे के फूफी और मामू के बच्चे बन जाएंगे। अच्छा,
हुकूमत भी तो बनानी है, दस्तरखान पे भी तो बैठना। सही बात। तो देखिए ना, अब वो खाने का वक्त में दांत अंदर हो जाते हैं और खाने को ना मिले तो फिर वो हाथी दांत बाहर आ जाते हैं, तो वो इसी तरह की सूरत हाल आप देखेंगे और देखते आए हैं। अच्छा, अमदाद साहब, शहजाद साहब, आप क्योंकि मक्का मुकरमा में हैं, मदीना मुनव्वरा में हैं और अब हरम शरीफ में हैं, तो मैं आपको एक तो मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये उम्रा की सआदत हासिल की, और आप भी पाकिस्तान के लिए और हम जो शुरका हैं इन सब के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हम पे भी अपनी नज़र अनायत करे। तो मेरा सवाल ये है आपसे, अब ये जो ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं ये गए हैं अमरीका, तो इनके क्या अगराज व मकासद हैं, और ये एक ऐसा मौका है और इस मौके पर इनका जाना वो किसी भी की नई चीज़ को राह दिखाता है, तो आप इस बारे में अवामुन्नास को बताएं कि ये दौरा अमेरिका इनका क्या गुल खिलाएगा। रहमान रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत और खलूस के साथ मुझे सदर दूर दराज मुकाम से भी अपने प्रोग्राम में मदद की, और मैं इस मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ, और आप सब के लिए प्रोग्राम के शुरुआत के लिए प्रोग्राम के जो स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं सब लोग, इनके लिए भी और पाकिस्तान की सालियत के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए दुआ गो हूँ, बड़ी दुआएं मांगी हैं और यही कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी खुशहाली और तरक्की की उन्हीं मुलाकात पर दोबारा गांव हो जाए जहाँ उसने सफर को छोड़ा है। अब यहाँ पर पहले तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि मुकीम साहब से जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आजकल जो है आपके खींचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी कुत्ती और मामे के बेटे बन जाएंगे, प्लेट में इंतजार रखें फिर कहें इलेक्शन मुलतवी करते हैं, आप सब लोग आ जाए और आपको जो है वो डेढ़ साल दो साल तक जो है वो मिल्क बांट कर खाने की इजाजत दे देते हैं, तो सिक्योरिटी के मामला सोचेंगे, सर्दी का मौसम भी अचानक खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ वही सूरज चक्कर और वही सारी बातें। अब तो इनको ये नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी हमने जगह जगह लोगों से जहां भी मुलाकात की है, अब आप देखें कि होटल में खाना खाने से लेकर और आप ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में जहां भी किसी पाकिस्तानी से मिले हैं एक या दो को छोड़कर, यानी आप उसको 98% की रेंज तो कह सकते हैं, सब लोग जो है वो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं और उसको इख्तदार में देखना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म सितम का एक बाजार गर्म है, हर ओवरसीज पाकिस्तानी की यही राय है, मजदूर हो वो यहाँ ताजर हो या किसी भी तबके। अब ये सूरत हाल में अभी आपने जो सवाल किया बड़ा अहम है, दौरा अमरीका, देखिए मैं एक अरसे से ये कह रहा हूँ कि लड़ाई जो है वो सियासी रहनुमाओं की तो अपनी जगह पर है लेकिन फौज के अंदर भी लड़ाई है, उसके अंदर भी जो लोग हैं वो जो ग्रुप बने हुए हैं और वो जो उनके अंदर अपना एक नुकता नजर है और उस पर कई किस्म की राय पाई जाती है। अब आर्मी चीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उनका भी एक बहुत बड़ा धड़ा जो है उनकी राय से इख्तिलाफ रखने वाला अदारे में मौजूद है, और उसकी उनका ये कहना है कि अभी इलेक्शन को मुक्त भी किया जाए यानी दूसरे धड़े का, लेकिन मेरी बात के मुताबिक आर्मी जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन हर सूरत में हो जाए ताकि पाकिस्तान की फौज का जो इमेज है उसको बेहतर बनाया जा सके। आज ही आप देख रहे हैं, आज बड़ा अहम बयान है जिसका आप अगर जिक्र करेंगे तो बहुत ही जरूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, और उससे बड़ी जो है स्मेल आ रही है बहुत सारी चीजों की, जो जस्टिस अतर मिनिंदा ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो एक दिन भी आगे नहीं होने देंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या खिचड़ी पक रही है, और इस खिचड़ी को दम करने के लिए जब वो सालन तैयार होने वाला होता है ना उसको दम देना होता है, तो दम कर देने के लिए जो तैयारी है उसके लिए आर्मी चीफ साहब जो है अमरीका रवाना हुए, और अब वहां जाकर जैसा कि आपने बताया कि ये पता चलेगा कि क्या ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, लेकिन मेरे जरा ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ इस वक्त सख्त मुश्किल में है और वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इंतखाबात टूटे फूटे हों या जैसे भी हो इंतखाबात एक मरतबा हो जाए, लेकिन एक दड़ा लेकिन जैसे कि आपने बताया ना, आपने बताया कि जिस बंदे से भी पूछते हैं वो वोट डालने की बात करता है इमरान खान को, जब ये एक चीज इनके साथ लगी रहेगी कि अवाम का जो सारा जोर है, अवाम सारी जो
इमरान खान के साथ है, वो इलेक्शन क्यों कराएंगे? वो तो खौफजदा है इस बात से, लेकिन आर्मी चीफ साहब आर्मी स्टाफ है, उनके पास तो इस वक्त जो है अख्तियार है, तो ये कहते हैं कि चूंकि आर्मी का एक इमेज जो है बैसीत अदारा वो आवाम में काफी हद तक जो है वो उसकी डैमेज हुआ है, तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात करवा दिए जाए और इंतखाबात में किसी ना किसी तरह से एक हंग किस्म की पार्लियामेंट जो है वजूद में आ जाए, कहीं से जो है पंजाब से कुछ सीटें तरीके इंसाफ से दे दी जाए, इस तरह में पाकिस्तान को लाया जाए, वो एम के एम वाला मामला चलाया जाए, बलोचिस्तान में पाप पार्टी को फर्क किया जाए और केपीके में ये जो धड़े बना दिए गए हैं इनमें से भी कोई मामला चलाया जाए, तो अब वो तो चाहते हैं कि किसी ना किसी इंतखाबात दूले लंगड़े टूटे फूटे हो जाए, लेकिन मैं जैसा कि आप शायद मैं अपने हमायूं साहब भी हमारा तशरीफ फरमा है, तो हमारे खूबसूरत नौजवान साफी हैं और साफियों की शान है, मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन जो जो सूरत हाल हमारे दोस्तों ने दोनों ने बताई है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, और पहले तो जी बहुत बहुत मुबारक इमदाद भाई, हमारे बहुत प्यारे भाई जैसे दोस्त हैं, और बहुत मुबारक सर आपको। और बात ये जी कि यहाँ बैठ के जब बात हम पाकिस्तान की और खास तौर पे इलेक्शन की करते हैं, तो इलेक्शन जो सूरत हाल बन रही है, एहसान साहब बात तो किसी और तरफ जाती नजर आ रही है, जो पिछले कुछ दिनों से मियां साहब के बयान आते हैं, वो जो एक सिलेक्शन की तरफ या एक लाडले की तरफ जो बयान बाजी हो रही थी या बात बनती नजर आ रही थी, अब आके जरा थोड़ा सा देखें एहसान साहब, कुछ लहजा कुछ जो अल्फाज है वो चेंज होते नजर आ रहे हैं, अब आके खाली वजारत उस्मा नहीं, खाली पंजाब की वजारत आला नहीं, अब आके एहतसाब की भी बात हो रही है, और एहतसाब भी किन का है सबको पता है, बाहर मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त थोड़ा सा अगर इस पे गौर करेंगे तो कुछ थोड़ी सी बात नजर आती है कि जैसे बात कुछ बिगड़ती नजर आ रही है, हो सकता है ये जो हालिया दौरा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कुछ इसमें भी हो, जहां तक ये होता है जी कि आपने बात की है कि अगर वो जिसको वोट देना चाह रहे हैं लोग उससे खौफजदा है, तो ये खौफजदगी जो होती है ये एहसान साहब एक चीज तो है, मुल्की मफाद के आगे तो नहीं जा सकती, कभी भी नहीं हो सकता कि जब आपका मुल्क जो हालात आजकल केपीके में है, जहां पे ये आपको भी पता है कि फौज को भी बहुत जगह पे पीछे हटना पड़ा जब उनके जुलूस निकले हैं, या उनका जो पीटीआई का जो एक यानी लोगों का जमे रफीर निकला है उससे पीछे हटना पड़ा है फौज को भी और पुलिस को भी, तो बजाहर ये चीजें यानी सोचने पे तो मजबूर करती हैं उन हल्कों को भी जो हल्के पाकिस्तान के मुफाद में है, यानी हम इस ओहदे को ये नहीं ले सकते किसी जाति पसंद या नापसंद पे कोई चलेगा, जब मुल्क का मुफाद होगा तो उस पर जरूर ये सोचा जाएगा, हाँ ये जरूर होगा कि जी कुछ ऐसे लोग जिनको यानी राह हमवार करके जिनको लाने की कोशिश की गई या लाया गया, अब आके हमेशा की तरह यानी उनका अगर यानी पिछला ट्रैक देखें तो बात तो हमेशा यही करते रहे जी कि कभी भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी देर नहीं चली, और वही चीज नजर आ रही है जी कि आज वो बयान थोड़े से चेंज हो रहे हैं, थोड़े से हुए हैं उसके बाद बाकी भी हो जाएंगे, लग रहा है कि तहफुजात कहीं और तरफ जा रहे हैं, और इस दौरे का मकसद ये भी हो सकता है, और दूसरी बात जो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जिस मकसद के लिए उन्हें लाया जा रहा था या लाया गया था वो मकसद अब तो किसी सूरत भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल ने खुद अपने लिए कुछ ऐसे मिसाइल कर दिए, वो कम से कम पाकिस्तान में तो उसके मुफादात जो है वो कोई भी शख्स यानी चाहे ये शख्स जिस मकसद के लिए भी लाया गया, और मैं एक कोट जरूर करूंगा हामिद मीर साहब का जो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था जी कि बाजवा साहब ने कहा था कि अब नया वजीर आजम वो होगा जो इसराइल को तस्लीम करेगा, और अगर यही मकसद था क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आराम से चल रही थी, एक यही मकसद नजर आ रहा था जिसमें नजर आ रहा था जी कि किसी को लाया गया तो इस मकसद के लिए, वो अब कम अज कम पूरा होता नजर नहीं आ रहा, और शायद यही बात है कि कुछ लहजे चेंज हो रहे हैं, कुछ एहतसाब की बातें हो रही हैं, और एहतसाब भी वो कि वो जो मुझे क्यों निकाला, अब वो क्यों निकाला वाला की कड़ियां किस तरफ जाएंगी, जब वो एहतसाब होगा तो वो एहतसाब की लहर किस तरफ जाएगी, आया वो मंजूर होगा या नहीं होगा, ये चीजें शायद अब सब धड़ों को सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि ये मामला फिर उसी तरफ तो नहीं जा रहा जो पहले की तरह यानी हमेशा की तरह होता है, और आज फिर वही होगा कि अगर इलेक्शन करा दिया जाए और यही सूरतें यही चेहरे जिनको हम ला रहे हैं ये सामने आए, और दो या तीन महीने के बाद मामला फिर फंस जाए, फिर मामला वहां पे चले जाए कि फिर ना ये आगे बढ़ रहा हो ना ये पीछे बढ़ रहा हो,
तो ऐसा साहब मुझे तो ये लग रहा है कि ये सोचें पाकिस्तान में ज्यादा पनप रही है, ज्यादा हो रही है, अब मेरा ख्याल है कि तहफ़ जो है वो किसी और तरफ चलेगी। अच्छा मैं अब मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहब से पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आपको अपने इलेक्शन जो हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें आपकी जीत के कहाँ तक आपको नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सारनाथ साहब, आपने मुझे मदऊ किया आपने प्रोग्राम में। पहले मैं पहले जो उमरा करने गए हुए हमारे भाई साहब उनको पहले मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। लेकिन ये पार्टियां जितनी भी हैं ये तरीके इंसाफ को अभी तक रिलीफ नहीं दे रहे, ओपन प्लेस नहीं दिया जा रहा कि वो तैयारी कर सके इलेक्शन की। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कन्वेंशन हुए हैं जिनको बाजू से मरोड़ने की बहुत जगह पे कोशिश की गई है, लेकिन अवाम हमारे साथ है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा तो रिजल्ट हमारे हक में होगा, क्योंकि लोग जो है ये जानते हैं कि हमने इस किसी भी शख्स को वोट नहीं देना, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद शख्सियत है इमरान खान साहब की जो कि पाकिस्तान को मुश्किलात को हल कर सकते हैं। मैं तमाम पाकिस्तान उनके साथ है, और हुक्मरान जिस अंदाज से अदालतों में मुख्तलिफ शहरों में जाके देहातों में जाके हमारी पार्टी वर्करों को घसीट रहे हैं, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये बनाते रहे, हम उनका मुकाबला बिल्कुल सामने आके करेंगे। लेकिन जब तक ये कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे को धाड़ रहे हैं, चिंघार रहे हैं और एक मुहालफ बातें की जा रही हैं, मैं इनसे ये पूछती हूँ कि कल ये 16 माह की हुकूमत में ये इकट्ठे थे, अब ये इनमें जुदाइयां कहाँ से आ गई? और फिर ये कहते हैं कि लड़ने के बाद हम फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। ये अंदाजा लगाए इनकी मुनाफ़त का कि ये इलेक्शन लड़ने से पहले इकट्ठे थे, इलेक्शन लड़ने के बाद भी इकट्ठे हैं, और इनका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, और इंशाल्लाह तरीके इंसाफ इनको इलेक्शन में चारों तारे चित करेगी और ये देखते रह जाएंगे कि हमने किस तरीके से मुनाफ़त भी की और किस तरीके से इनके हाथ मरोड़े, बाजू मरोड़े, जेलों में डाला, लेकिन ये उसके मुसीबतों के बावजूद भी ये हमारे ऊपर ये नाफज हो गए। खान साहब आप ये बताए कि ये जो कल जलसा हुआ है जिला गुजरात में मरियम नवाज का, और मरियम नवाज तकरीर करती थी तो लोग चले गए, और इसी तरह बलावल भुट्टो के साथ भी यही हो रहा है, तो आप ये बताएं कि ऐसे में इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जो टेक्निक्स या टैक्टिक्स पहले इस्तेमाल की गई थी तकरीबन वही वारदात अभी भी करने की कोशिश की गई। 14 मई को जब इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था तो वजारत खजाना ने पैसे रिलीज नहीं किए थे, इस मरतबा भी यही वारदात की। एक किस्त रोक के उन्होंने देखा कि पब्लिक का मूड क्या है, मीडिया क्या कहता है, दुनिया भर से दबाव किस लेवल का आता है। जब वो उन्होंने देखा कि हर तरफ से लान तान शुरू हो गई है तो वो किस्त जारी कर दी। अब डिफेंस वालों ने अभी तक पर्सनल देने पर रजामंदी जाहिर नहीं की है, मेरा ख्याल 2.5 लाख आदमी उन्होंने मांगा इलेक्शन कमीशन ने, अभी तक वो क्लियरेंस नहीं आई है। 7 तारीख तक उन्हें बताना था और आज मेरा ख्याल है 11 तारीख हो गई है, तो इस किस्म की वारदातें अभी तक चल रही हैं। इलेक्शन का शेड्यूल 54 दिन कबल आना चाहिए 8 फरवरी से, वो अगले 4 या 5 दिन बनते हैं। इसके बावजूद आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज अथर मेनल्ला को ये कहना पड़ा कि जो आदमी इलेक्शन के बारे में शकूक व शुबहात क्रिएट करेगा वो काबिले ताज़ीर होगा, यानी इस इतने हाई लेवल से अश्योरेंसेस भी आ रही हैं। साहब मतलब ये जो भी ये हर्डल पैदा कर रहे हैं इलेक्शन में जो ये रखनंदाजी, ये तो आप कर रहे हैं, मैं और आप तो नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं इलेक्शन कराओ। जी देखिए जिन्होंने पिछला इलेक्शन नहीं होने दिया वही अगले इलेक्शन में रुकावट है, और पिछले इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना होना हमारे लिए एक ताजियाने से कम नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी है कि हमारी अदलिया का सबसे सुप्रीम इदारा हुक्म देता है और उसमें कोई इफ एंड बट भी नहीं है, एक बड़ा क्लियर कट हुक्म था। फिर 1973 के आईन में भी
उसको क्लियरली वाजे किया गया है, मतलब वहां भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि इलेक्शन हुकूमत जाने के 90 दिन के बाद हो जाने चाहिए, असेंबली टूटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अब उसको किसी ने प्रोसीड नहीं किया, कोई दाद फरियाद ही नहीं है, कोई आदमी उस तरफ कोई इशारा भी करके राजी नहीं है, तो वही काम अगली दफा फिर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, मां सिवाय रोने पीटने के। और आप हमें ये बताएं कि जिस तरीके से ये इलेक्शन जो है ये नहीं, कभी इलेक्शन की डेट दी जाती है, कभी नहीं दी जाती, और ये कितने माह से ये इलेक्शन रोल के रह गए, इससे पहले कभी आपने तारीख में देखा है पाकिस्तान में भी ऐसे इलेक्शन का हाल हुआ हो? देखिये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन आपके टीवी चैनल पर नहीं कह सकता, आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। असल बात ये नहीं है जो आप कर रहे हैं और ना ही असल बात यह है जो हम जिस पे बात इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। असल बात तो ये है, मैं तो चूंकि बाहर बैठा हूँ, मैं कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, मेरे जराये ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख के साथ बता रहे हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है। खेल तो कुछ और खेला जा रहा है, खेल तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि दो ग्रुप हैं पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वोटर मंडला से बयान दिलवा रहा है कि इलेक्शन जरूर होंगे, और एक ग्रुप जो है वो कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, वो अपने लोगों से ये बातें करवा रहा है। बात क्या है अमदाद सैन शहजाद साहब, जिस फोरम पे आज आप बैठे हैं ना, हम यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी से सारी बातें करते हैं क्योंकि हम हकायक पे बात करते हैं। तो मेरी आपसे बातचीत जारी है, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे यही बात पूछेंगे जो आप बता रहे हैं। जी वेलकम बैक जनाब अमदाद हुसैन शहजाद साहब, आप हमें वो तमाम चीज़ें बताएं जो कि आपके इलम में है, आपके जहन में है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को, अवाम उन्नास को और हमारे नाजरीन और कारीन को ये पता चले। जी जी जनाब, मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि मेरे जराये के मुताबिक बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है और इलेक्शन का मसला नहीं है। इलेक्शन तो मतलब एक उसमें वो देखा ना, जैसा अगर इलेक्शन का मसला हो तो चार रोज में इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। वो मतलब मुझे किसी ने ट्रेवल ने कहा हो कि आपका उमरा का पैकेज है तो मुझे टिकट ही ना मिले और मैं जहाज में बैठ गया, मुझे पता है किस दिन जाना है तो मैं अपनी क्या तैयारी करूंगा। बाकी बाजी ने जो बड़ी अच्छी बात की है मोहतरमा जेबा नाज हमारी बहन ने, बड़ा अच्छा तजिया किया उन्होंने हमारे इस वक्त के प्रोग्राम का, सबसे अच्छा तजिया उन्होंने किया है कि आप जो मर्जी कर दें, आप इमरान खान को दीवार से लगाए, बाजू मरोड़े, जो मर्जी करें, जेले भर दें, बल्ले का निशान दें या बाबा ठुल्ले का निशान दें, आप इस बात बिल्कुल ये बात है कि मोर जो है वो इमरान खान के ऊपर ही लगेगी और कोई ऐसा शख्स जो है जो पोलिंग बूथ के अंदर जाएगा और बॉक्स के सामने जाएगा उसका जमीर 100% जो है वो इमरान खान के हक में फैसला करेगा। जाएगा तो बात होगी ना, जब वो जाने नहीं देगा तो फिर क्या होगा? बात तो सिर्फ ये है कि वो जाएगा ही नहीं, वो इलेक्शन होता ही नहीं। इलेक्शन अतर मुंडा साहब को क्या जरूरत पड़ी है कि उन्होंने आज ये कहा कि इलेक्शन एक दिन भी आ गए। आप तो बड़े सीनियर सियासतदानों से मिलते रहते हैं और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा हमेशा यही कहा जाता है मार्शल लॉ लगेगा ही नहीं, और 7 जुलाई 5 जुलाई को बयान आता है कि हमारा कोई इरादा नहीं है सियासी मामला में मुदाखलत करने का, ज़ियाउल हक साहब का, और 7 जुलाई को एन 2 दिन के बाद बल्कि 1.5 दिन के बाद रात के 12 बजे हो जाए हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं। तो ये जो चीजें होती है, ये मैसेजबाजी होती है, ये जो पैगाम रसानी होती है, जैसे अतर मुंडला साहब के बारे में किसको नहीं पता वो किसके बंदे हैं। मैं आपको 100% बताता हूँ, मेरे नॉलेज में बहुत सारी बातें हैं। उनके जो मैनचेस्टर में फ्लैट की इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी ISI की तरफ से, वो क्यों करवाई गई थी? उनकी साड़ी को यहाँ पर जो है वो धमकियां दी गई थी, लंदन में क्यों दी गई थी? यहाँ चुनाव में रहती है वो, उनका जो वो जो है जो साड़ी के हस्बैंड होते हैं क्या उसको कहते हैं हमदुल को क्यों धमकाया गया था कि आप जो है ये आपके फ्लैट जो है ये सारे जो आपने उनके साहब के नाम की जो जायदादें यहाँ बना रखी हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी चीजें जो है बड़ी वाजे हैं और ये पैगाम रसानी है। ये जो पैगाम देना चाहते हैं कि इलेक्शन होंगे उनका पैगाम है, और दूसरी तरफ जो ये पैगाम देना चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे उनका भी, क्योंकि सारे इस वक्त जो सियासतदान है वो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, उनका जितने जो उनका वो कार्ड लेकर मार्केट में आ रहे हैं वही पिट रहा है। बिलावल भुट्टो अपने बाप के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, बूढ़ों के खिलाफ कार्ड लेकर है वो भी पिट गया,
मोहतरमा जो है वो मरियम नवाज साहब उनके भी सारे कार्ड जो है वो पिट चुके हैं। अभी मकीम साहब ने कहा, वो कहते मुझे क्यों निकाला, अब वो कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, मुझे वापस तो वो मुझे क्यों बुलाया वाली खबर ये है कि इसी महीने में मेरे लगा ये बता रहे हैं 16 या 17 दिसंबर को, वैसे तो 16 दिसंबर बहुत खतरनाक दिन है और उसके भी बड़े सारे हकायक जो हमें यहाँ आकर सऊदी अरब में भी लंदन में भी बंगाली भाइयों से पता चलते हैं कि क्या क्या मामला हुए थे उस दौरान में। तो अब ये 17 दिसंबर को या 16 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ साहब लंदन वापस आ रहे हैं, इनके कुछ टेस्ट रह गए हैं, इनकी कुछ रिपोर्टें रह गई हैं और ये आपसे देखकर बड़ी मजे की बात है, उन्हीं दिनों में है जब यहाँ हॉलीडे शुरू हो जाती है क्रिसमस की, और फिर आके ये एक बहाना लगा देते हैं डॉक्टर साहब हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। हालांकि डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर जो एक दिन की छुट्टी करते हैं, बल्कि दूसरे भी जितने भी डॉक्टर हैं मकीम साहब लंदन से बैठे हुए हैं, मैनचेस्टर से हमारे मोहतरम दोस्त साहब दादा साहब बैठे हैं, एक दिन छुट्टी होती है सिर्फ, और वो भी अगर आप उसमें कोई एमरजेंसी हो तो आपको टाइम दे दिया जाए। ये इन्हीं जिलों में ये आती है बहाना लगा, अब असल में ये भागना चाहते हैं, फरार चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से कहते हैं वो मैंने जैसा कि कहा कि मुझे क्यों बुलाया, अब मुझे वापस दे दो। तो अब जो है ना माइन साहब आप हमें ये बताएं, ये जो अब कल जिला गुजरात में जलसा हुआ मरियम नवाज का, उसमें लोगों ने जो इनके साथ किया, क्वाड में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किया, और इसी तरह हमारे वो पीटीए के शेर अफसर मरवत साहब है, शेर वो जहां भी जाते हैं वहां पे जमे गफीर होता है, इस बारे में आप तकाबल करें, ये क्या हो रहा है एहसान साहब? ये तो पहले दिन से रोजे रोशन है कि जो अवाम का झुकाव है या अवाम की जो वेर मर्जी है वो जिस तरफ है वो नजर आती है, बजाहर ये उसी चीज को दबाने की कोशिशें थी, उसी लिए तो ये सारा फिक्रमंदी थी, और यही वजह थी कि इलेक्शन का कोई यानी कोई जो गहमा गहमी या इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो बनती नजर ही नहीं आ रही थी। जहां पर भी देखें जो भी लीडरान थे, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया है और मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान का जिक्र किया, बाजार देखने में यही आ रहा था कि ये गिव अप कर चुके हैं, और जो सिलेक्शन का मामला भी जिस तरह जा रहा था वो भी यही वजह थी कि इलेक्शन में तो ये जा नहीं सकते, इलेक्शन में जाएंगे किस हद तक दबा सकेंगे, किस हद तक लोगों की जो मर्जी है उसको किस हद तक रोंदा जा सकता है। इलेक्शन फिर भी रिजल्ट जो है ना जी बहुत सारे यानी ऐसे ले आता है जो इनकी शायद मर्जी के ना होते, और इसीलिए शायद सिलेक्शन की तरफ जा रहे थे। जहां तक पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से मैदान में नजर नहीं आ रही, वो तो पहले दिन से हैंड्स अप करके एक साइड पे खड़े हो गए, और कोई उनकी इलेक्शन कंपेन नहीं है, कोई उन्होंने एप्लीकेशन का कोई सिलसिला नहीं था, कोई टिकटें बांटने का या कोई किसी किसी तरह का भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मगर एक चीज जो है वो ज्यादा खतरनाक है, फिक्रमंद है, जिस तरफ हमारे सारे दोस्त इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन का ना होना। देखें बात यह है कि हाल तो यही है इस मुल्क में कि इलेक्शन हो, हम अगर इलेक्शन की कोई थोड़ी सी मुखालफत करते हैं तो इसलिए कि वो सिलेक्शन ना हो, इसलिए कहते थे जी कि इलेक्शन ना हो। इस तरह का अमदाद सैन शहजाद साहब ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, नसरुल मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन बर वक्त, काकड़ साहब कहते हैं बर वक्त, तो हमें क्या जरूरत है कि इलेक्शन नहीं होंगे? बात यह है कि जो इमदाद साहब ने कहा है वो बिल्कुल 100% बात ठीक है, ये भी वही सियासी बयान है जो पहले वो 5 जुलाई या उसके जून के थे या जिया साहब के या उससे पहले बाजवा साहब के जी कि हम सियासत में कभी शामिल नहीं होंगे, ये उसी तरह के एक सियासी बयान है कि जी इलेक्शन बर्बाद होता के हम पे इल्जाम ना हो। हालांकि सारी डोर तो उधर से हिल रही है, सारी डोरें तो वहीं से हिलाई जा रही है जिस तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं। अब मामला क्या है, आपने ऐसे वक्त पे आके अफगानियों के साथ भी एक मसला छेड़ दिया, यानी वो भी एक कल को आपको मिलिटेंट यानी बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है, ये भी बहाने बन सकते हैं। मौसम की अब यानी गर्मी धूप की तो अब बात रही नहीं, अब ये बात तो रही नहीं जी कि यानी पीटीआई क्या कर लेगी या क्या कर लेगी, अब तो और बहुत सारे बहाने जिनको इन्होंने डेलिब्रेटली छेड़ा है, जानबूझ के ऐसे मामला को किया गया जिसको जिसके असरात ये लेने चाह रहे हैं, और वो आएंगे असरात जी, वो हो तो सकता नहीं, और वो बहाने बन सकते हैं और बहुत सारे बहाने आ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है जी कि जिस पे ये खेलना चाह रहे थे अब उसके पल्ले इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। आप हमें ये बताएं क्या आप इलेक्शन को, इलेक्शन में कोई मुश्किलात आपको क्या नजर आ रही है, क्योंकि वजीर आजम काकड़ साहब कहते हैं कि हमने सबको बराबरी की बुनियाद पर हर तरह की सियासत करने का मौका दिया है, तो आप इससे मुतमिन है काकड़ साहब के बयान से? हेलो
ये जेवराज साहब आप सुन रही है मुझे? क्योंकि वोटरों ने तो वोट देना है बल्ले को, वोट देना है इमरान खान को, और ये निशान बदल भी देती है, किसी निशान को वोट पड़ेगा जो इमरान खान के नाम होगा, यो तरीके इंसाफ के नाम होगा, ऐसी बात कोई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के तमाम लोगों ने जुल्म और जबर का डट के मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। और आप खुद देख लें पाकिस्तान में इस वक्त जो है जिस अंदाज में प्री पोल रिगिंग की जा रही है, इलेक्शन से पहले ही पोलिंग में धांधली हो रही है, हल्का बंदियों में धांधली हो रही है, वोटर्स की लिस्ट में धांधली हो रही है, और जो पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसमें भी धांधली हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मियां बीवी हैं, एक का वोट समनाबाद में है और एक का वोट है डिफेंस में रख दिया जाए, तो ये किस तरीके से का इंसाफ है? एक घर में एक एड्रेस है, एक ही जगह पे उन्होंने लिख के दिया है, ये सारी धांधली है। और ये देखते हैं कि यहाँ वोट पीटीआई का है, इसको ऐसी जगह फेंको कि इतना इसको खबार करो कि वोट ना डाल सके। लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बच्चों इस दफा आप खैर से आए हैं, खैर से रहे, आप बच नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान का हर वोटर अपने महबूब कैद के निशान पे मोर लगाएगा, और ये जो नोन अननोन खड़े होंगे वो वुकला हो या आम आदमी हो, पीटीआई की तरफ से उनकी जीत उनका मुकद्दर होगी। और इंशाल्लाह ताला ये चोर लुटेरे डाकू सारे भागेंगे। अब ये आ गया ना ये उनका नवाज शरीफ साहब का कि अब वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टिकटें बेच ली, उन्होंने इलेक्शन की कमाई कर ली, उन्होंने हर वो काम कर लिया जिसके लिए वो आए हुए थे। अरे मुकीम साहब, आप हमें ये बताएं, आप दयानंद राय दें, अगर इसी तरह ये इलेक्शन होते हैं और फिर वो कहते हैं हुकूमत बनती है, तो क्या अवाम इसको तस्लीम करेंगे या अक्वामे आलम इसको तस्लीम करेगी? देखिए हमारी तो हिस्ट्री रही है कि सिवाय एक इलेक्शन के जिसपे बहुत कम एतराजात हुए थे 1970 का, उसके बाद हर इलेक्शन ही मुतनाजा रहा है। ठीक। और इतना जेवर ना साहब फरमा रही हैं, जो ग्राउंड रियलिटी वो बता रही हैं उसको देखते हुए, मतलब ये तो अभी से ही लोगों को ये भी परेशानी है कि अव्वल तो इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा, अगर इलेक्शन हुआ और वो फेयर और फ्री ना हुआ, उसमें प्री पोस्ट या आफ्टर इलेक्शन कोई रिगिंग ना हुई, तो उसको कौन मानेगा? अब तो ये डिजिटल मीडिया का जमाना है, हर आदमी जो है इस वक्त तहकीकाती सहाफी बना हुआ, जिसके पास भी एक वो डिजिटल फोन है आजकल का, तो वो आपको फिल्म भी निकाल के भेज देगा, वो आपको ऑडियो भी सुनवा देगा और वो आपको तस्वीर भी दिखा देगा। तो ये जो अमदाद हुसैन शहजाद साहब ने इंकशाफ किया है कि ये नवाज शरीफ साहब लंदन आ रहे हैं वापस, आपके भी इल्म में है कुछ, आप इजाफा करेंगे? जी ये कहा जा रहा है कि उनको चेकअप के लिए आना है, अब वो कब आना है और किस हालात में आना है उसको देखना। ये जो कहा है ना कि बिल्कुल हकीकत बात है, वो किस बात का? अच्छा हमारी बहन ने बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन अपनी बहन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीवी का वोट कहीं भी बना लें, खामन का वोट कहीं भी बना लें, मजा तो तब आएगा। अब तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हाफिज मुनीर आजम साहब की बीवी जो है, अगर उनको भी वोट डालने के लिए कहा जाएगा तो वो इमरान खान को जाकर वोट डालेंगे, इनको तो अपनी बीवी पड़ी। अच्छा मुकीम साहब आप बात जारी रखें। मुकीम साहब हाँ, ये है कि वो जो हम तक इतलात या जो लीक की गई है गुफ्तगू, वो यही है कि जी उनका चेकअप है। अब आया वो चेकअप के बाद वापस जाएंगे या उनका स्टे लंबा हो सकता है या क्या हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि जिस तरीके से सूरत हाल डेवलप हो रही है, आज अदलिया ने वो ताहिया नायली वाले केस में भी नोटिस ले लिया है। वो केस तो असल में वो मीर बादशाह खान कैसरानी का था। तो मेरा ख्याल है तौसा शरीफ से वो डिस्क्वालीफाई हुए थे जाली डिग्री के केस, ऐसे ऐसे। लेकिन वो दौरान जो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं और जजिस ने जो कहा, उन्होंने वो 63F1 को बड़ा पर मुख्तलिफ एंगल से उस पर अपने रिमार्क्स दिए। तो अब ये देखने में आ रहा है कि अदालत इलेक्शन से कबल
और इलेक्शन शेड्यूल आने से कबल ही इस पर अपनी राय दे देगी और फैसला दे देगी कि यातायात नाहली का कानून बरकरार रहेगा या वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसके तहत 63(1)(f) के तहत जो आदमी नाहल होगा वो नाहली सिर्फ 5 साल के लिए होगी। नहीं, मुझे आप लगता है जिस तरीके से लंदन से जाके आज तक उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वजीर आजम का, क्या की अब हम है कोई कि उनको किसी चीज में फिर सजा दी जा सकती है? आपकी बात में बहुत वजन है कि जिस तरीके से उनको लाया गया, जिस तरह उनकी जमानत हुई, जिस तरह उनके बायोमेट्रिक्स हुए, जिस तरह की उनको आला दर्जे की सिक्योरिटी फराहम की, हर केस में से आजाद किया गया, बरी किया गया, ओके, जो आसानियां फराहम की गई। अब देखिए कि अगर तो वो केस में उनके इतना कोई दम था तो 4 साल उसका इंतजार ही क्यों किया कि 4 साल तक भी काटी, मुश्किलात भी सही, अपने अजीजों के जनाजे तक में वो शरीक नहीं हो सके, तो वो अगर ये कभी जमानत पहले ली भी होती तो वो इन मसाइल से ना गुजरते। तो देखा जाए तो इसकी इन सारे वाकयात की टाइमिंग एक चेन है जो ये वाजह करती है कि उनके साथ बहुत से पावरफुल लोगों की हमदर्दियां हैं, पूरा सिस्टम उनकी बैक पर है और उनको बाकायदा दूल्हा बनाकर लाया जा रहा है। मुकीमल साहब, आप ये बताएं कि जिस तरीके से मैंने ये गुजारिश की है ना कि तमाम से केसों में तो उनको यहाँ बरी किया जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी केस में भी उनको धर लिया जाए या कोई ऐसी बात की जाए या वो वापस जाएं और वापस अपना इलाज करा के वापस ना आए? नहीं नहीं, मेरे ख्याल हम बहुत दूर स्पेकुलेट कर रहे हैं। जिस वक्त हालात उस नहज पे जा रहे हैं कि सारी आसानियां उन्हें फराहम हो गई, रिवर्स हो गए हैं, उनकी पार्टी रिवाइव हो गई है, उनके वजारत उजमा की बातें चल रही हैं और ये जो आखिरी यानी जो उनके रास्ते की रुकावट है वो 63(1)(f) का केस है, तो यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अदालत ने टेकअप कर लिया है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अमदाद हुसैन शहजाद साहब, आपने मैं मदीना मुनव्वरा से हमारे साथ शिरकत की, आपका भी बहुत मशकूर हूँ। जनाब हुमायूं साहबज़ादा साहब, आपने बरवक़्त भरपूर हमें अपने अंदाज में अपनी राय का इजहार किया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, जिस तरीके से आपने तरीके इंसाफ की मुश्किल गनवाई, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ। अब हमारा वक्त हो गया ख़त्म और मैंने जो सवाल किए आपने जो जवाब दिए उसका फैसला करना है आपने, अवाम ने, और मुझे और मेरे पैनल को मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।